कहाँ जा रहा है ऐसे चहकते महकते हुए? पापा वो सुमन के घर। वो एक्चुअली क्या है ना पापा, हम सब आर्मी स्कूल के बच्चों के लिए ग्रुप स्टडीज है वहां पे, तो विजय अंकल पढ़ाएंगे। सुमन ने बुलाया तुझे? हाँ, कर्नल साहब को पता है कि मैं तुझे आर्मी डिसिप्लिन सिखाना चाहता हूँ, इसलिए सुमन को बोला होगा। कमाल मिट्टी के बने हो। दोस्त के साथ झगड़ा है लेकिन उसका असर बच्चों पर नहीं होने देते। तो मतलब आपको खुशी होगी अगर मैं जाऊंगा तो? हाँ? तो वो भागता हूँ ना पापा, आपको पता है लेट हो गया तो। अरे रुक ना एक मिनट, शर्ट का बटन तो बंद कर, लफंगों की तरह घूमता रहता है। और सुन, ये डियो शियो थोड़ा कम लगाया कर यार। डियो नहीं पापा, परफ्यूम है। चलो बाय। इस ग्रुप स्टडी ने तो फायदे करा दिए यार, तुमने ने दद्दू को मना लिया, अब मैं इनके घर जा सकता हूँ। पापा भी खुश कि कर्नल विजय अंकल से सीखूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छी ट्रेनिंग दे के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सिखा सकूं। कैंट में सभी जानते हैं कर्नल साहब कि आपके अंडर जो जो भी ट्रेन हुआ है वो आप ही की तरह इज्जतदार, ईमानदार और बहादुर ऑफिसर निकला है, इसलिए हम बच्चों के लिए खुश हैं कि वो आपके पास आ रहे हैं। थैंक यू। तो मैं कल से ट्रेनिंग शुरू करूंगा अपने तरीके से। अभी कैंट के लिए निकलना है, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सी यू। अरे श्रवण, अच्छा हो तुम भी आ गए। पापा का हाथ कैसा है? अब ठीक है अंकल। आप? हाँ मैं जरा कैंट के लिए निकल रहा हूँ, सुमन और बाकी लोग ऊपर हैं, चले जाओ, फिर मिलता हूँ। सी यू। प्लानिंग तो सुमो जैसी यार, मुझसे कहा कि मिलके प्लान करेंगे दोनों पापा का मूड कैसे ठीक करने, पर यहाँ तो सब पहले से डन है। सुमो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे एक्शंस। वाह बेटा श्रवण, कांग्रेचुलेशंस। क्या बात है, 2 लीटर परफ्यूम, महंगी शर्ट, हमेशा वाला मलोत्रा दिखावा है या एक्चुअली कुछ खास बात है? नोटिस किया ना, बस मेरा काम हो गया, अब भगवान ने दे। कहा? सुमो ने बुलाया है ग्रुप स्टडी के लिए। मुझे तो कह रही थी श्रवण से नहीं मिलना। ठीक है, अब आ ही गए हो तो जाओ। कर्नल विजय कल से क्लासेस लेंगे, जब तुम लोग यहाँ पढ़ने आए हो तो बिना सीखे यहाँ से कुछ नहीं जाओगे। उससे पहले मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, आर्मी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? सर हाँ, ताकत, फिजिकल और इमोशनल दोनों। दादू जी आई थिंक ना मरने का डर ना मारने का। राइट, पर इस सब के साथ जरूरी है भरोसा, क्योंकि इसी भरोसे के सहारे एक सोल्जर अपनी बटालियन के लिए जान देने को तैयार रहता है, गोला बारूद हथियार एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और इसी भरोसे के सहारे जंग लड़ी और जीती जाती है। गुड, अब हम शुरुआत करेंगे ट्रस्ट एक्सरसाइज से, जिसके बारे में मैं तुम लोगों को पहले बता चुका हूँ। Got it? Yes, sir. Good. अरेश, सुमन, तुम लोग यहाँ आओ। और याद रखना, आंखें बंद करना और पीछे गिरना है। Good. ये है भरोसा जो अनीश ने सुमन पर किया, जो किसी भी जंग को जीतने के लिए जरूरी है। हेलो एवरीवन। हाय दद्दू, तुम यहां कैसे आए? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। सॉरी दादू, वो सुमन का बड़ी है पर आपका पड़ोसी भी है तो मैंने इसको मैसेज कर दिया था। सॉरी यार, अब तक मुझे पता नहीं था ना कि तुझे आर्मी में नहीं यूएस जाना है।
तू तू जा, तुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। नहीं नहीं नहीं, मैं भी कर लूंगा जो आप लोग कर रहे हो, मुझे भी सीखने दे दू। और अगर अनीश ने कर लिया तो इजी होगा, मैं कर लूंगा दद्दू जो भी आपको। सोच लो, भरोसा करना है और भरोसा कराना है, एक सिविलियन के लिए ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? दद्दू मैं कर लूंगा, मुझे अपनी बड़ी पर पूरा भरोसा है। अनीश तुम अपनी जगह जाओ और तुम अनीश की जगह आओ। सुमन तुम अनीश की जगह जाओ, अनीश तुम सुमन की जगह आओ। तेरी पहली गलती मुझ पे भरोसा करके यहां आना, और अब ये दूसरी और शायद आखिरी होगी। अब आंखें बंद करो और पीछे गिर जाओ। क्या हुआ, नहीं हो पाएगा तुमसे? कहा था ना कि आंखें बंद करो, भरोसा करना है, इतना भी याद नहीं रहा? हाँ दादू, आपने कहा था भरोसा करो, पर किस पे करना और किस पे नहीं, ये तो मैं ही देखूंगा ना। तुम सिविलियन और तुम्हारी खोखली बातें। पर दादू मैं, भरोसा तुम्हारे लिए सिर्फ एक शब्द है। पर दादू मैं गिरने वाला था। गिरना तुम्हारी फितरत है, शब्दों से धोखा देते हो और नजरों से शक करते हो। तुम विदेशी जाओ। दादू बात तो सुनो। भरोसे बहस करते हो और शर्ट के बटन खोल के गुंडों की तरह घूमते हो। आप एक बार बात तो सुनिए प्लीज मेरी। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, चलो यहाँ से, और तुम सब भी नीचे आओ, चलो यहाँ से। दादू अनीश और देविका को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट अब दादू को कैसे समझाऊं? और श्रवण भी ना, वो यहाँ क्यों आया? दादू सुनो तो, बाहर आओ, निकलो। अच्छा दादू, लास्ट चांस, प्रॉमिस। गिर भी गया तो कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं, अरे तुम्हें कितने चांस दिए कि गाली ठीक से पार करो, तुम्हें आई, तुम्हें कितने मौके दिए कि सोसाइटी के हिसाब से अपने को ढाल लो। दादू निकलो, निकलो। पंचर कैसे हुआ ये? वो मैंने किया है और फिर करूंगा, जब तक तुम लोग पार्किंग की जगह जान लो, और तुम और तुम्हारे चाचा दोनों टायर बदलना सीख लो। पाना निकल। ओ मिया,
अब बताओगे भी कि क्या कांड कर करा रही हो है? और जो बुढ़ो इतना क्या बड़क रहा था, इसे क्या लगता है हमें टायर बदलना नहीं आता? दो बार पूछा पर उससे ये नहीं बोला क्या कि सुमो आता है मुझे टायर बदलना, और अब पेशेवर की तरह लगा हुआ है यूजलेस कहेगा। अबे यूजलेस समझ के रखा है क्या उसने हमने? हमने तो टायर बदल दी, लेकिन उसको टायर बदलनी होती ना तो दो मिनट में सांसें फूल जाती बुढ़ाओ की। इसको दो ना, रुक इसको मैं दिखाता हूँ कि आजकल के लौंडे क्या कर सकते। अबे अबे रुक जा मेरे पहिया क्रांतिकारी, इधर आ जा इधर आ जा। उस दिन पापा की गाड़ी का टायर पंचर नहीं किया था मैंने, हाँ? और हेल्प तो की नहीं, तो इन लोगों को लगा मुझे टायर चेंज नहीं करना था, इसीलिए सुना के गए हैं। वाह मियां सही है, लेकिन गलती तो तुम्हारी थी ना, जब तुम्हारे पापा डियर मुसीबत में थे तो तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए थी ना। अगर मैं मदद करता तो विजय अंकल क्या करते, उनकी बातें कैसे होती? सर आइडिया का पॉइंट क्या रहता भाई? मतलब सुमन के पंक्चर वाले आइडिया की वजह से दादू के दिमाग में गोबर लगे तुम। टाइफिस होगी मियां तुम्हारी। टाइफिस हुई तेरी वजह से? क्या बोला? बटन खोल के जाओ, ऐसे सुनने को मिला मुझे। मियां हमें क्या पता, हमें तो लगा कि तुम इसमें खून लगोगे। खाक खोल यार। और एक तो वो सुमो एक बार भी मेरी साइड से नहीं बोली यार, बोलना तो छोड़ एक वर्ड नहीं निकला उसके मुंह से। छोड़ यार मैं जा रहा हूं। अरे मियां तुम बापू को क्या बोलोगे जो सोचा है तुमने? क्या बोलूंगा, सच बोलूंगा और क्या। पापा कितने खुश थे यार विजय अंकल के घर पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन नहीं अब तू देखियो गुस्से के बादल गरजेंगे और निराशा की बारिश होगी यार। यार बंटी जो भी है दद्दू की एक बात बिल्कुल सही थी, कोई भी जंग भरोसे के बिना नहीं जीत सकते, और मुझे सुमन पे भरोसा नहीं है, मुझे नहीं लगता मैं जंग जीतूंगा यार। मियां तुम आज कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, काम करो तुम घर के लिए निकलो, हम तुमको कॉल कर लेंगे ठीक है? चलो सर, बस आप जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाइए, हम सब लोग आपको बहुत मिस करते हैं। वासी में तो रहता हूँ, जब वक्त मिले सबके सब घर आ जाना, मेरा घर मेरी कमांड का घर, मतलब आपकी कमांड का। कर्नल तिवारी जिस दिन मैं यहाँ आया तभी मैं समझ गया था ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आज मैंने खुद देख भी लिया। वैसे मैं आपके यहाँ वापस आने तक सिर्फ आपकी जगह संभाल रहा हूँ, मैं आपकी जगह कभी नहीं ले सकता। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कर्नल, वैसे मैं सब हैंड ओवर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क। नहीं सब कुछ क्लियर है, थैंक यू। आपने जो काम शुरू किया था उसका मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। एक कॉन्ट्रैक्ट पे बात चल रही है बुलेट प्रूफ वेस्ट के लिए, कोई मिस्टर देवराज मल्होत्रा है ये प्रपोजल लेकर आपसे मिलने आए थे, वैसे मुझे सुलझे हुए लगे, आपकी काफ़ी इज्जत करते हैं। पुराने दोस्त हैं मेरे। ओह अच्छा, बताया नहीं, हो सकता है वो अपना काम पूरा करने के लिए आपकी दोस्ती का फायदा नहीं उठाना चाहते हो। यार बंटी पर मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता भाई, कल तो बताना पड़ेगा ना पापा को कि क्लास का पहला दिन कैसा रहा यार। अरे पर मियां आज क्या हुआ, चलो अंकल मियां तो सर पकड़ के सो रहे थे, पर जी चाचा चाची और वो आंटी से कैसे बच के निकल गए? यार कुछ नहीं, वो अवनी चाचा चाची के साथ बाहर गई थी, और मम्मा वो कुछ ग्लासों का ज्ञान दे रही थी झुमरी को किचन में, बस किस्मत अच्छी थी यार आज तो। किस्मत ही अच्छी नहीं है बेचारी की, क्या बोलेगा देवराज अंकल को? ऊपर से उसे लगता है कि तूने उसकी साइड भी नहीं ली, और उसने मुझे बोला कि तूने उसे यहाँ बुलाया है, फिर अनीश सबके सामने खड़े होकर अनाउंस करता है कि तू चाहती नहीं थी कि वो यहाँ आए, क्या सोचेगा वो?
उसे लगता है कि मैंने उसे बुलाया कंचा। मैं तो सिर्फ देवराज अंकल और पापा के बीच में सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, पर शायद वो यूएस वाली बात ने उसे फंसा दिया। एग्जैक्टली, अब वो हमेशा सुमो सुमो करने वाला श्रवण तुम्हें कभी भरोसा नहीं करेगा। यार उस पे तो अब मैं कभी ट्रस्ट नहीं करूंगा। उसके दद्दू ने मेरी सबके सामने इतनी इंसल्ट की, घसीटते क्लास से बाहर ले गए मुझे। पर वो सुमो, सुमो नहीं, सुमन तिवारी, यार मेरी साइड लेना तो छोड़ बंटी, वो बाहर तक नहीं आई यार। बाहर? अभी वो सब छोड़, तूने वो बाहर वाली पार्किंग का कुछ सोचा? अभी कहीं चाचा को वो पंक्चर वाली बात पता चल गई ना मियां, तो वो और भड़केंगे। यार चाचू का छोड़, पापा का सोच, पहले मुझे नालायक समझते हैं, अब निकम्मा भी समझेंगे। मियां ये आर्मी वाली सुमन ने तो तुम्हें गंदा आला फंसा दिया है, सच बता रही हूँ। झूठ मूठ की आर्मी वाली है वो, भरोसे लायक ही नहीं है। डरपोक तिवारी। डरपोक नहीं हूँ मैं, आज ही क्लियर कर दूँ कि सारी गलती अनीश की थी और सुमन तिवारी श्रवण मल्होत्रा का भरोसा वापस जीते। छोड़ ना यार, अब तक बिल्कुल नहीं। एक आर्मी वाली पे भरोसा ना करना मतलब कि पूरी आर्मी पे शक, ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना वो। हाँ पर तू करेगी क्या? स्टडी ग्रुप की जिम्मेदारी तो पापा की है ना, तो इसका फैसला भी पापा को ही लेना चाहिए, राइट? गलत, बिल्कुल गलत। किसी का भरोसा तोड़ना गलत है। क्यों किया ऐसे? नहीं, नहीं करना चाहिए था। इल्जाम पे इल्जाम, हम पे? ऐसा क्या? क्या आप कुछ भी बोल रहे हैं जी? मैंने कब तोड़ा आपका भरोसा जी? था ना भरोसा कि कभी भूखे पेट नहीं सोने दोगी? कल पूछा तक नहीं आपने, मैं वेट कर रहा था। वेट? कहाँ? वहाँ। पर आप यहाँ कब आए जी? देर रात तक देख रही थी मैं आपको नीचे जी। तो कल से और देर रात तक वेट करना, अभी जाओ ना, काम करो अपना। हाँ जी, और आप भी आओ जी, पापा जी को खबर लेनी है आपकी कल वाली क्लास की जी। अरे यार, पापा को कैसे बताऊं कि दद्दू ने मुझे बाहर निकाल दिया था, फिर तो विजय अंकल के साथ इनकी दोस्ती और बिगड़ जाएगी। बोलो सुमन। सुमन, तुमने अभी तक पापा को कल के बारे में कुछ नहीं बताया ना? नहीं, अभी उसी की बारी लगने वाली है यार। बिल्कुल नहीं, तुम अभी के अभी अपनी टेरेस पे आओ। क्यों? तुम्हारे मतलब की बात करनी है, जल्दी। सुनो, कल जो कुछ भी हुआ वो एक गलत फहमी थी जो हम बाद में क्लियर करेंगे। फिलहाल तुम अंकल से कुछ मत कहना, ओके? रोक क्यों रही हो? अब मैं डांट खाऊं या मार खाऊं उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, अंकल को बुरा लगेगा और उससे अंकल और पापा के बीच की नाराजगी बढ़ेगी, जो तुम और मैं दोनों ही नहीं चाहते, राइट? नहीं, मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है, तो अब जो भी करना है वो मैं खुद करूंगा, क्योंकि तुम पे तो वैसे भी भरोसा नहीं रहा मुझे। पर मेरे पास एक बहुत जबरदस्त प्लान है श्रवण, एक लास्ट टाइम ट्रस्ट कर लो। क्या आइडिया? तुम थोड़ी देर के लिए अंकल से दूर रहना और मिलना मत, तब तक मैं वहाँ खुद आके उन्हें सब सच बता दूंगी, पर इस तरीके से बताऊंगी कि उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा और गुस्सा भी नहीं आएगा, और तुम वापस स्टडी ग्रुप में भी आ पाओगे। के एक बार और भरोसा करके देख लेता हूँ, अब जो हो रहा है उससे बुरा क्या होगा। श्रवण, पापा से कैसे बचूं अब?
बाथरूम। जुमरी जल्दी आ, कितना टाइम लगाएगी? मैडम जी दही। हाँ पराठे भी लेके आ फटाफट। हाँ जुमरी, श्रवण उठ तो गया था ना? हाँ जी, लगता है बाथरूम में रह गए जी। इतनी देर? अरे पेट वेट तो ठीक है ना नालायक का? कब से सबर कर रहा हूँ कि वो आए और बताए कि कल की ग्रुप स्टडी कैसी गई। ये तो मुझे भी जानना है। अब अपनी बेटा जाके श्रवण को बुला के लेके आओ। जी पापा। हमें नहीं करना, हमें नहीं बनना सच का देवता। अब बैठो बैठो। अगर पापा को सच पता होगा तभी सही फैसला ले पाएंगे ना कि किसे क्लास में होना और किसे नहीं। तो आप दोनों बता दो ना, आपके कहे ये शब्द जो मेरे मुंह से निकले तो दद्दू फिर से इस मुंह में खाना नहीं जाने देंगे। उसके लिए हम हैं ना डमरू भैया, आप बोलोगे तो हम आपके लिए अपना खाना छोड़ देंगे। एग्जैक्टली, प्लीज 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 डमरू भैया, एक बार के लिए दादू को भूल के ना अपने सैनिक मन से पूछिए, क्या आप ऐसी नाइंसाफी बर्दाश्त कर सकते हैं? आई लव यू दादू, पर जो गलत है सो गलत है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.